जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू पोस्ट डिफेंस एकेडमी। जय हिंद जय हिंद। आज ये जल्दी से फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद जीत, प्रियंका, मीमांसा, जय हिंद। सो टुडे इज 23rd ऑफ नवंबर एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 23rd नवंबर। एम आई ऑडिबल? इज देयर एनी इश्यूज? जस्ट लेट मी नो, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? जय संदीप, जय हिंद रंजन, जय हिंद मोहित, जय हिंद जीत। चलो फिर आ जाओ। 23 नवंबर है भैया आज, कल था 22 नवंबर, और कल 22 नवंबर को क्या था और आज 23 नवंबर को क्या है, ये बात आपको बतानी है। जल्दी से फटाफट से शुरू हो जाइए जल्दी। जय हिंद रितिका, जल्दी बताओ। 22nd ऑफ नवंबर था कल। यू आर ऑडिबल, विजिबल, नॉलेजबल। चलो यार आ जाओ, चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे, एज पर द ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट 2022, विच कंट्री टॉप्स द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स? बताओ, क्वेश्चन है हमारा। वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में शीर्ष पर है? यूएसए, सिंगापुर, इंडिया या फिर स्वीडन? व्हाट्स द राइट आंसर? जय हिंद संतोषनी, रुद्राक्षी, प्रियांशी, मृत्युंजय, जीत। अलग अलग आंसर क्यों दे रहे हो यार, अलग अलग आंसर क्यों दे रहे हो? आंसर इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्वीडन नहीं है बिटिया, ना, सही आंसर है यूएसए। क्या है? US is the right answer, United States of America. Okay? So, इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। Global Information Technology Report से आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें Network Readiness Index जो है उसमें टॉप किया है USA ने, ठीक है? And इसके अलावा अगर USA की हम बात करें, so recently USA के साथ, जय हिंद अर्जुन, रिसेंटली यूएसए के साथ हम लोगों ने कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज की है? तो इट इज युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास जो है वो किसके साथ कंडक्ट किया जाता है? प्रस्थान, ओके, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, दक्ष, होल्ड ऑन बेटा, विजिलेंट स्टॉर्म वॉज नॉट इन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। विजिलेंट स्टॉर्म जो है इंडिया और यूएसए के बीच नहीं थी, यूएसए था उसमें बट इंडिया नहीं था, कोरिया, हाँ साउथ कोरिया था, साउथ कोरिया, ठीक है। एंड नासा ने आर्टेमिस मून मिशन जो है रिसेंटली लॉन्च किया है, यूएसए का है जो, वेरी गुड आदि, ठीक है। ओके, यूएसए कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, जहां पर आपको वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और नासा के हेडक्वार्टर्स मिल जाएंगे। डन, ओके। सिंगापुर की जो कैपिटल है बच्चों, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी है। क्या है कैपिटल सिंगापुर की? सो सिंगापुर सिटी इज द कैपिटल ऑफ सिंगापुर। और सिंगापुर की 3 सैटेलाइट हमने लॉन्च की थी, याद आ रहा है किसी को? सिंगापुर की 3 सैटेलाइट लॉन्च की थी पीएसएलवी C53 से। इसरो ने पीएसएलवी C53 से क्या किया था, क्या किया था? 3 सैटेलाइट्स लॉन्च की थी फ्रॉम श्रीहरिकोटा, है ना। सिंगापुर के ही हैं टी राजा कुमार, और भैया टी राजा कुमार कौन है? सो ही इज द हेड ऑफ FATF, फाइनेंशियल एक्शन
टास्क फोर्स जो है उसके हेड है। एंड एफएटीएफ के बारे में भी हमने पढ़ा था कि भैया ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया है पाकिस्तान को, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है म्यांमार को, पर अभी रिसेंटली इंडिया में क्या ऑर्गेनाइज किया गया था याद है आपको, न्यू दिल्ली में, जिसमें एफएटीएफ के डेलीगेट जो थे उन्होंने भी पार्ट लिया था। हेडक्वार्टर पेरिस में है। ये जादूगर भैया कौन है भाई, क्या नाम है तेरा? नो टेरर, नो टेरर नो मनी, है ना? ठीक, चलो इसके बाद स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल क्या है बच्चों? स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। स्वीडन जो है यहीं से आपके नोबेल प्राइज दिए जाते हैं 5, लेकिन छठवा जो है नोबेल प्राइज इन पीस वो दिया जाता है इन नॉर्वे, ना कि स्वीडन में। ओके, जय हिंद केशव। 10 दिसंबर 1901, कूल, ओके, वेरी गुड, वाह यार एकदम बहुत जहर। ओके बेटा दीपांशु, मुझे नाम पता होना चाहिए ना। वर चलो, who was honored with the Indian Film Personality of the Year 2022 award in the 53rd International Film Festival of India? 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है? दिया गया है, दिया गया है। राइट आंसर इज चिरंजीवी, है ना? इसके अलावा मुझे ये बताओ कि ये ऑर्गेनाइज कहां पर हुआ है? ये जो है आपका 53rd इंडियन फिल्म फेस्टिवल है ना ऑफ इंडिया, कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ है? जल्दी जल्दी बता दो, और मैंने पढ़ाया भी था आपको। गोवा में हुआ है। और क्या आपको याद है गोवा में और क्या होने वाला है इन 2023? गोवा में 2023 में और क्या होने वाला है? नेशनल गेम, 37th नेशनल गेम्स होंगे गोवा में। 36th हुए हैं कहां पर? गुजरात में। ओके गुड। अब अवार्ड्स की बात आई है तो थोड़े से बात कर लेते हैं हम ये वाले अवार्ड्स की। एक अवार्ड है भैया दादा साहेब फाल्के अवार्ड। कोई मुझे बता सकता है ये कब से शुरू हुआ है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है इसकी शुरुआत कब से हुई है, किसी को याद है क्या? 1969 से हुई है, है ना? और 1969 में पहली बार ये दिया गया है किसको? देविका रानी को। दादा साहेब फाल्के पता ही होगा आपको, डायरेक्टर थे। और 50वां दिया गया था किसको? अमिताभ बच्चन को। 51वां दिया गया रजनीकांत। एंड रिसेंटली 53rd दिया गया है किसको? दिया गया है 52nd आशा पारेख, है ना? गुड। फिर आपका जो अगर हम बात करें इन द वर्ल्ड, पूरा जो हाईएस्ट अवार्ड है इन दिस फील्ड इन द कैटेगरी ऑफ दिस फिल्म एंड ऑल, वो कौन सा है, उसका नाम क्या है? ऑस्कर, है ना? ऑस्कर या एकेडमी अवार्ड जो कब से शुरू हुआ है? ऑस्कर जो है वो कब से शुरू हुआ है?
1929 एंड फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया टू बी अवॉर्डेड विद ऑस्कर इज भानु अथैया एंड शी वॉज अवॉर्डेड इन द कैटेगरी ऑफ कॉस्ट्यूम डिजाइनर फॉर द मूवी गांधी एंड द फर्स्ट डायरेक्टर हु वॉज अवॉर्डेड विद द ऑस्कर इज कौन है सत्यजीत रे है कौन है सत्यजीत रे है ठीक है ये दो नाम जो है आपको याद रखने हैं एंड इफ वी टॉक अबाउट मिस यूनिवर्स तो आज तक इंडिया से 3 मिस यूनिवर्स बनी है 1994 सुष्मिता सेन 2000 लारा दत्ता 2021 मानुषी संधू मिस वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो मिस वर्ल्ड में आपको मिल जाएंगी रीता फारिया प्रियंका चोपड़ा ऐश्वर्या राय है ना काफी सारे और नाम हैं और जो मानुषी छिल्लर अभी बनी है मिस यूनिवर्स तीन ही है इंडिया से मिस वर्ल्ड है आपकी ऐश्वर्या राय प्रियंका चोपड़ा है और रीता फारिया है ठीक है और कौन बच रहा है मानुषी छिल्लर हो गई जय हिंद प्रीति हाँ जीत क्या हुआ बेटा रीता फारिया पहली मिस वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया ठीक है मिस वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड जब आएंगे तो अपन पढ़ लेंगे उसको क्यों टेंशन ले रहा है विच फोरम लॉन्च द लॉस एंड डैमेज फंड टू सपोर्ट द पुअरर कंट्रीज ठीक है किस फोरम ने गरीब देशों का समर्थन करने के लिए नुकसान और क्षति कोष का ना सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स है 1994 की बेटा 2000 में लारा दत्ता और 2021 में है आपकी हरनाज संधू दहन मनीष कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 कहां पर हुआ था ये कॉप 27 कहां पर हुआ है इजिप्ट में हुआ है जहां पर इंडिया और स्वीडन ने जो है क्या एस्टैब्लिश करने की बात कही है याद है किसी को कॉप 27 इजिप्ट बिल्कुल जय हिंद रिया देखना इजिप्ट की अगर मैं आपको बात बताऊं तो जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है दैट वाज कंटेम्परेरी ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया आईवीसी के कंटेम्परेरी है कॉरपोरेशन था कॉरपोरेशन नहीं कॉपरेशन वाटर से रिलेटेड नहीं था लाइफ करके कुछ था वो लीड लीड स्कीम थी कुछ ऐसा कुछ था यार देखना पड़ेगा उसको लीड ठीक है फिर इजिप्ट की कैपिटल क्या है कायरो उसको मिस्र भी कहा जाता है पूरा देश है जहां से बस एकमात्र नदी निकलती है विच इज नाइल रिवर इजिप्ट इज ऑल्सो नोन एज लाइफ गिफ्ट ऑफ नाइल या फिर नाइल को कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट और नाइल रिवर तो मैंने कई बार बताया इट इज अ कन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स ब्लू नाइल एंड व्हाइट नाइल ब्लू निकलती है हाँ मीमांसा ब्लू निकलती है विक्टोरिया लेक से और व्हाइट निकलती है इथियोपिया के ताना लेक से और इस सूडान की कैपिटल खार्तूम में आकर के मिलती है ठीक है शनि भैया जय हिंद और तुम्हारे ग्रुप में बाकी सबको भेज दो जो जो भी पढ़ने का इच्छुक होगा तो आ जाएंगे नीली नील और सफेद नील ताना लेक कहां पर है ताना लेक है इथियोपिया में ठीक है
वेरी गुड. चलो बढ़िया आगे. आशियान, और ये तो पता ही होगा तुमको, आशियान एक बार बता दो. एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन, 1967, इंडोनेशिया, जकार्ता. ठीक है. और जो आशियान है इसके अभी अपने हैं 30 इयर्स ऑफ फ्रेंडशिप इंडिया ने सेलिब्रेट किए हैं. एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971, जनेवा, स्विट्जरलैंड. And India is not the part of ASEAN. Very good, beta. हाँ, member नहीं है India ASEAN का. Which is the first Indian table tennis player to win a medal in the ITTF ATTU Asian Cup? बताओ. निशान यार पढ़ते पढ़ ले बेटा. ITTF इज इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन और ATTU इज एशियन टेबल टेनिस यूनियन. विच इज द फर्स्ट इंडियन टू win a medal in this Asian Cup. मनिका बत्रा बोल रहे. मनिका बत्रा, मनिका बत्रा is the right answer. और शरद कमल के बारे में क्या पढ़ा था मुझे जल्दी से बता दो. शरद कमल विल बी अवॉर्डेड विद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड एंड वो एथलीट कमीशन के भी मेंबर बने हैं. ये याद है. जय हिंद प्रतीक. कहां से दिन उगा है आज सूरज, कहां से आप क्लास में पधारे. धन्य भाग हमारे. नौ और है. ठीक है. अवॉर्डेड विल बी अवॉर्डेड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड. मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड वॉज स्टार्टेड 1992 एंड द फर्स्ट पर्सन जिनको यह अवार्ड दिया गया था वॉज विश्वनाथन आनंद. है ना. फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ चेस. चलो. विच कंट्री इज द चेयर ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. 2022 में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अध्यक्ष कौन सा देश है? श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, यूके. India, that is Bharat, is a union of state. India is the right answer. ठीक है. ये तो मैंने बताया भी था तुमको. न्यू दिल्ली. ठीक है. और क्या ऑर्गेनाइज हुआ था? अच्छा, न्यू दिल्ली के बारे में तुमको पता है? बताती हूँ. चलो. न्यू दिल्ली को अमेंडमेंट 69 से एनसीआर बनाया गया, नेशनल कैपिटल रीजन. ठीक है. न्यू दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर आर द ओनली यूनियन टेरिटरीज जिनका अपना खुद का हाई कोर्ट है. अब ये मत सोचना कि सुप्रीम कोर्ट भी तो दिल्ली में ही है ना, तो वही उसका हाई कोर्ट है ना. दिल्ली का अपना खुद का हाई कोर्ट है. 1966 में बना है दिल्ली हाई कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट अलग है.
और सेम जम्मू कश्मीर वाला है। हालांकि अभी जम्मू कश्मीर वाले का ना नाम बदल करके जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट जो है वो रख दिया गया है। ठीक है, टेररिज्म वाली मीट। ओके, ठीक है। और दिल्ली एंड पुडुचेरी आर द यूनियन टेरिटरीज, इनके पास क्या है? विधानसभा है। तो एक बार बताओ मेरे को, हम ये बोलते हैं कि इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के इलेक्टेड लोग विल टेक पार्ट। ठीक है, राज्यों की विधानसभाओं के मेंबर विल टेक पार्ट, ऐसा लिखा हुआ है साफ साफ। पर ये तो केंद्र शासित प्रदेश है, जय हिंद मनजीत, ये तो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और पुडुचेरी, तो इनके भी क्या है? विधानसभा है, मुख्यमंत्री हैं भैया केजरीवाल साहब। तो क्या दिल्ली और पुडुचेरी के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विल टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और नॉट? लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे मेरे भाई, लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? इम्पीचमेंट तो विधानसभा के कोई नहीं लेते यार, कोई कहीं के नहीं होते। थ्रो 70th अमेंडमेंट, 70वां संशोधन 1995, दिल्ली एंड पुडुचेरी वर परमिटेड टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट बिकॉज दे आर हैविंग देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना? अरे यार, नहीं बेटा, ग्रेजुएशन की बात कर सकते हो, ठीक है। और प्रेसिडेंट को हटाने में लोकसभा राज्यसभा के सारे लोग पार्ट लेते हैं, ठीक है, रो मत, इट्स ओके, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। चलो, यू नो वॉट, आफ्टर इंडिया श्रीलंका इज अ कंट्री जिसमें बुद्धिज्म प्रवेल हुआ था, है ना? इंडिया जो है, इंडिया के बाद श्रीलंका वॉज द फर्स्ट कंट्री जहां बुद्धिज्म पॉपुलर हुआ, ठीक। इसका जो पुराना नाम है सिलोन, फिर हम बात करें बांग्लादेश की, है ना, बांग्लादेश कैपिटल इज ढाका, और यहाँ पर सार्क बना था लेकिन हेडक्वार्टर बाद में शिफ्ट हो गया काठमांडू, पर अभी जो है यहाँ पर आपको हेडक्वार्टर मिल जाएगा जय हिंद यश बिम्सटेक का 1997, ठीक है। बिम्सटेक इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। हाँ जी, चंद्रगुप्त ने नहीं भेजा, अशोक ने भेजा था अपने बेटे महेंद्र, अपनी बेटी संघमित्रा को, ठीक है। हाँ बेटा, दोनों है, एक एग्जीक्यूटिव है और एक लेजिस्लेटिव है। अशोका ने भेजा था अपने बच्चों को श्रीलंका टू प्रोपगेट बुद्धिज्म। हाँ जी भैया, ये मैम मैम क्यों कर रहे हैं सब? दक्ष यथा दृष्टि, क्या लिखा है दक्ष? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 ढाका में बनी थी। कर्मयोगी प्रारंभ इज अ कोर्स प्रिपेयर्ड फॉर विच सेगमेंट ऑफ पीपल? कर्मयोगी प्रारंभ किस वर्ग के लोगों के लिए तैयार किया गया पाठ्यक्रम है? नॉन रेसिडेंट इंडियंस, एनआरआईस, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, एमएसएमई या फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एम्प्लॉइज?
बताओ। इधर हट जाती हूँ भैया, हिंदी वाले शिकायत करते हैं या आप हिंदी वाले क्वेश्चन के सामने खड़ी हो जाती हूँ। जाए कहाँ आखिर व्यक्ति, या तो बी या तो डी, ये क्या बात होती है। इट इज फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, किसके लिए है। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द कर्म योगी प्रारंभ मॉड्यूल, अरे भाई इधर आओ, एन ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स प्रिपेयर्ड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ही ऑल्सो लॉन्च द प्रोग्राम फॉर प्रोवाइडिंग द अपॉइंटमेंट लेटर्स टू मोर देन 71,000 यूथ अंडर द प्रधानमंत्री रोजगार मेला। ठीक, फिर मैं बात करूं एनआरआई, तो आपको पता ही है ऐसे लोग जो है तो इंडियंस, चाहे निशांत पहुंच गया तू या फिर नहीं पहुंचा, जो है तो इंडियंस बट अभी रहे किसी दूसरी कंट्री में रहे, वो होते हैं एनआरआई। और फिर होते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पीआईओ, वो ऐसे जो जिनका ओरिजिन तो इंडिया में है बट अभी वो क्या कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हैं। ठीक है, 9 जनवरी को एनआरआई डे इस बार कहाँ मनाया जाएगा, भारतीय प्रवासी दिवस इंदौर में मनाया जाएगा, है ना। और वो गुयाना के प्रेसिडेंट जो है वो आएंगे एज अ चीफ गेस्ट। एमएसएमई इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ये जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं। 2006 में एक्ट ला करके इनको एमएसएमई कर दिया गया है और इनको इनके इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर डिफाइन किया गया है। एमएसएमई अप टू 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट, माइक्रो फिर स्मॉल 1 to 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड मीडियम 10 to 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और फिर इनका जो टर्नओवर है तो माइक्रो का 5 करोड़, ठीक है, देन आफ्टर 50 एंड देन आफ्टर 250। क्या हंसे जा रहे हैं यार, क्या हो गया। मैं नहीं बोल रही, तुम लोगों का ऐसे ही हो तुम। चलो, संगई फेस्टिवल इज अ कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, बताओ। मणिपुर की उड़ीसा, आंसर जो है वो है भैया मणिपुर। मणिपुर इज द राइट आंसर। कैपिटल क्या है मणिपुर की, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। और यहां पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मिल जाएगा आपको, विच इज अ फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑन लोकटक लेक। यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर, ये याद रखना सबसे पहले, तो पानी पी लूं मैं। यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर कौन है, जी किशन रेड्डी। इनॉग्रेटेड द मणिपुर संगई फेस्टिवल एट द संगई एथनिक पार्क। द 10-day लॉन्ग फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन 13 वेन्यूज अक्रॉस द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टिल नवंबर 30। और आपको वो याद है अमूर फाल्कन्स पढ़ा था हमने, अमूर फाल्कन्स की हंटिंग और किलिंग पर रोक लगाया था 2 डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट ने, वो डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट के थे।
मणिपुर की ना, एमर फाल्कन एक बर्ड था, माइग्रेटेड बर्ड थी भैया। चलो मैगी के स्टेट्स की कैपिटल नेशनल पार्क जल्दी। वेस्ट बंगाल की कैपिटल्स कलकत्ता, नेशनल पार्क गोरुमारा, बुक्सा, जल्दापारा, सुंदरवन। सुंदर को मारा, गोरु ने मारा, क्या मारा, बुक्सा मारा, और सुंदर जल्दापारा है ना। फेस्टिवल थीम इज फेस्टिवल ऑफ वननेस, वेरी गुड। फिर आ जाओ उड़ीसा, कैपिटल इज भुवनेश्वर, लिंगराज टेम्पल, कोणार्क टेम्पल, और सिम्मी उड़ के भीतर गई, सिमलीपाल उड़ीसा में और भीतर कणिका, ठीक है। और असम में 7 नेशनल पार्क्स हैं, 5 पुराने हैं, 2 नए हैं। पुराने हैं मानस, नामेरी, ओरंग, दिब्रू साइखोवा और कांजीरंगा। नए हैं दिहांग, पटकई और राइमोना। चलो, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग इन 2023? और इसके अलावा आप मुझे ये भी बता सकते हो, विच इज द फर्स्ट पैसिफिक कंट्री टू होस्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। क्या हो गया बेटा दीपांशु, नेशनल पार्क लिख दूं? यार लिखवा मत मेरे से, मैं बोल दूंगी। फिजी इज द फर्स्ट कंट्री ना, इसका जवाब दो तुम तो। इसका जवाब क्या होगा? फिजी की कैपिटल सुवा। न्यू दिल्ली बोल रहे हैं यार सब। वाह यार, जहर जहर एकदम जहर। द फोर्थ एडिशन ऑफ इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग हैज बीन इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली ऑन द थीम ऑफ ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, ठीक है। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग थीम क्या है? ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव, बच्चों, ठीक है। चलो ठीक है, और ये जो है एपेक्स लेवल इंटरनेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस है, और द नेशनल मैरिटाइम फाउंडेशन इज अ नॉलेज पार्टनर एंड चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ द इवेंट। नेशनल मैरिटाइम फाउंडेशन बाय इंडियन नेवी, ठीक। चलो, विच इंडियन वॉज कन्फर्ड द यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इन 2022? कितना प्यारा है दीपांशु, तो पूर्णिमा देवी, जानते हो इनको कौन है पूर्णिमा देवी? देखो, पूर्णिमा देवी बर्मन एंड असम बेस्ड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट वॉज अवॉर्डेड द चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड बाय दिस ईयर। 2021 का दिया गया था एटनबर्ग, 2021 का दिया गया था ये वाला जो अवार्ड है ना, चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड, एटनबर्ग। एक बार सर्च करके आना आदि, कुछ बहुत ऐसा सुना ना, एटनबर्ग कुछ एनवायरमेंटलिस्ट हैं, इनकी एक वेब सीरीज भी है कुछ एनवायरमेंट को लेकर के, उनको दिया गया था ये। जय हिंद पिंकू बेटा,
पिंकू बाकी सबको शेयर कर दे तू ग्रुप में, तो और जो देखने वाले होंगे वो आ जाएंगे। बोला मैडम क्लास चलो। इट इज प्रेजेंटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, यूएनईपी क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम कब शुरू हुआ है? 1972 में शुरू क्या हुआ है, मतलब एस्टेब्लिश हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? उसका जो हेडक्वार्टर है वो है डेविड एटनबरो। मैं कह रही थी ना कोई नाम ऐसा एटनबर्ग आ रहा था, डेविन एटनबरो। इनकी एक वेब सीरीज थी, कुछ तो सीरीज थी, मतलब इनकी वेब सीरीज नहीं सीरीज। ठीक है, सो यूएनईपी के अलावा कुछ कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस आप याद रख सकते हो। आईयूसीएन, यूनाइटेड इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर 1948, ये है तुम्हारा ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। फिर एक है यूएन एफसीसीसी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये है आपका बॉन जर्मनी में। यूएन एफसीसीसी कब बना था? और एक है आपका साइट्स, यूएनएफसीसीसी कब बना? साइट्स बताओ, साइट्स क्या है? रेड लिस्ट नहीं, रेड डेटा बुक है ना, 1964 से पब्लिश कर रहा है। एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट, ये तीन कैटेगरी है उसमें। यूएनएफसीसी बॉन जर्मनी में कब स्टैब्लिश हुआ है? साइट्स बताओ मुझे। पिंकू तो सुन रहा है मैंने क्या बोला है, हाँ ना, तो बोल। साइट्स याद है किसी को? इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है साइट्स है। क्या ये साइट्स ही 28 जनवरी को बना था क्या? एक और ऑर्गेनाइजेशन बताया था ना मैंने तुमको अभी, 28 जनवरी को बना था, किसी को याद है? ये साइट्स जो है नहीं, ये तो 1 जुलाई 1973-75 में बना है, 73 में आया और 75 में फॉर्म हुआ है। ठीक है ना, ठीक है, चलो। विच एशियन कंट्री हैज रिसेंटली रिलीज अ सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी? सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी, बेटा रामसर 71 का है, तो कुछ भी क्यों वो कर रही है? सेकेंड फेब 1971, इंडिया, ठीक, इंडिया तुमने कहा और मैंने मान लिया। द इंडियन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, कौन है हमारे हेल्थ मिनिस्टर? मनसुख मंडाविया। हैज अनाउंस अ नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी, द कंट्रीज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पॉलिसी हैज टाइम बाउंड एक्शन प्लान्स एंड अ मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन टू अचीव रिडक्शन इन सुसाइड मोर्टैलिटी बाय 10% बाय 2030। ठीक है, वर्ल्ड टेलीविजन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन टीवी, टेलीविजन डे कब मनाते हैं भैया? इक्कीस बोल रहे हैं तो ठीक है, 21 नवंबर। Who has been appointed as the election commissioner in the election commission by the President of India? ये
ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन। अरुण गोयल, ठीक है, इलेक्शन कमीशन पार्ट कौन सा है? पार्ट 15, आर्टिकल 324 से लेकर के 329। कब बना था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं बच्चों? वोटर्स डे। 2011 से मना रहे हैं, ठीक है। इट इज अ 3-member body जिसमें एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 665 ऑफ द एज। दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, ये भी 665 ऑफ द एज। ऑल थ्री आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड रिमूव बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए प्रेसिडेंट वाला प्रोसीजर फॉलो होता है, जबकि बाकी दो को हटाने के लिए प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सलाह पर ही हटा देता है, ठीक है। और अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे? उस करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं है। हाँ, राजीव कुमार, राजीव चंद्र नहीं, वो सुशील चंद्र था, तुम राजीव चंद्र कर दो उसको। राजीव कुमार, राजीव कुमार, चलो कामिंग हाइड्रो पावर स्टेशन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? जल्दी बताओ, कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन मणिपुर, असम, अरुणाचल या फिर मेघालय? तो ये आंध्र प्रदेश कौन बोल रहा है? भगवान, सर फोड़ लूं क्या मैं अपना? अरुणाचल पढ़ाया तो है, ये तो पढ़ाने के बाद भी गलत जवाब दे रहे हो जी तुम, वेरी रॉन्ग, बहुत गलत बात, बहुत गलत बात। अरुणाचल कैपिटल इज ईटानगर, नामदफा एंड मॉलिंग नेशनल पार्क। चलो, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन पैडलर टू विन अ मेडल एट एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट? तो अब तो ये तुम बता दोगे, मणिका बत्रा, नॉट अ बिग डील। चलो, इंडिया हैज टेकन ओवर द चेयर ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई फ्रॉम विच कंट्री? इस बार तो इंडिया होस्ट कर रहा है, इससे पहले किस कंट्री ने होस्ट की है ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। भारत ने किस देश से एआई पर वैश्विक भागीदारी की अध्यक्षता ली है? जी हाँ, राइट आंसर है आपका फ्रांस, ना कि जापान, ठीक है। जो लोग बोल रहे थे ना जापान जापान जापान, हो गया जापान। एक व्यक्ति आंसर लिखता और जो तुम कॉपी पेस्ट मारना शुरू करते हो, भाई साहब हद ही नहीं है कोई। इट्स फ्रांस। बड़े चालू हो यार, सही में। फ्रांस द कैपिटल इज पेरिस, एफएटीएफ, यूनेस्को, ओईसीडी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, सभी के हेडक्वार्टर पेरिस में है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का भी कहां पर है? पेरिस में। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो है। जापान इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। इटली कैपिटल है रोम, जहां पर आपको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1965 एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 दोनों के ही हेडक्वार्टर मिल जाएंगे। हु इज द विनर ऑफ द एटीपी फाइनल सिंगल्स टाइटल?
ये बताओ। राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, कैस्पर रुडियाफर, कार्लोस अल्कराज। नोवाक जोकोविच, कैस्पर रुड वाले रिश्तेदार लग रहा है तेरा, कैस्पर रुड। नोवाक जोकोविच इज द राइट आंसर बेटा। ये हो गया है कॉप 27। ये बताओ, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड द फर्स्ट साइंटिफिक मैप ऑफ अटलांटिक ओशन फ्लोर, बताओ। मैरी थार्प वॉज एन अमेरिकन जियोलॉजिस्ट एंड ओशनोग्राफिक कार्टोग्राफर, मैप कार्टोग्राफी है ना, हु क्रिएटेड द फर्स्ट साइंटिफिक मैप ऑफ द अटलांटिक ओशन फ्लोर। इन 1950s शी कोलैबोरेटेड विद द जियोलॉजिस्ट ब्रूस हैजन टू प्रोड्यूस द मैप। हर वर्क रिवील्ड अ मोर डिटेल्ड टोपोग्राफी एंड मल्टी डायमेंशनल जियोग्राफिकल लैंडस्केप ऑफ द ओशियन बॉटम। अटलांटिक ओशन का शेप कैसा, ऐसा एस जैसा, पता है तुमको कि नहीं पता है। हु हैज बीन नेम्ड एज द फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, चिरंजीवी, ठीक है। और चिरंजीवी को तो जानते ही होगे, कौन सी मूवी बताऊं मैं तुमको, चिरंजीवी की मूवी बताओ एक और। अरे यार कोई नहीं, ऐसी मूवी सबने देखी हो। हाँ हाँ, रामचरण के फादर, ये देखो मूवी के नाम पे तो ऐसे आ जाते ना उठ के। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द पीस प्राइज बाय गांधी मंडेला फाउंडेशन, गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। हाँ मेरे को भी सेम लगते हैं। इंदिरा द टाइगर मूवी उन्हीं की है ना, हाँ उन्हीं की। दलाई लामा तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर है दलाई लामा, एंड पीस प्राइज बाय गांधी नेल्सन फाउंडेशन, क्या हो रहा है ये, गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा इनको अवार्ड दिया गया भैया, ठीक है। चलो, प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान कौन बने हैं, कजाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट। नूर सुल्तान ठीक है, पर वापस से अब वही हो गई है इसकी। आंसर इज डी, कैसम जोमाट टोकायव, ठीक है। मेजर अलाय रशिया। चलो ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, जिसमें टॉप यूएसए ने किया था उसमें इंडिया की रैंक क्या है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जो है जिसमें यूएसए ने टॉप किया है उसमें इंडिया की रैंक क्या है। It's 61st and this was the last question of today's video. अब हम मिलेंगे कल
और कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो बता दो, बाकी सब तो एकदम बढ़िया ही है। ठीक है, कल मिलें फिर। चलिए भाई, जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट।